चलो उसको लाइक कर देना ध्यान से, ठीक है भाई, भोसड़ी वालों लाइक कर देना। कुछ भी नहीं है, कबूतर है, बेकार है वो ससुरा, उसके सारे छपरी हैं, सारे छपरी फैन जितने भी हैं। कैसा लगा? बिल्कुल टटकरा है, टटकरा छपरी साला। तुम भी बता दो, एमसी स्टैंड के ऊपर रोस्ट कर दूं क्या मैं? हैं, बता दो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और सुना दो कैसे हो सभी भाई लोग? तो भाइयों आज तुम्हारा भाई बिना टोपी के पहली बार, बता दो कैसा लग रहा? मतलब तुम्हें दिखा नहीं रहा था ना मैं, मतलब बाल बहुत छोटे हो रहे थे, थोड़े से बढ़ गए, तो मैं चलो यार क्या हुआ, सारी पब्लिक अपनी है तो दिखा दिया जाए, ठीक है। तो आज तुम्हारा भाई बिना टोपी के बना रहा है, थोड़ा छपरी, पता क्यों? क्योंकि मैं ना अब एमसी स्टैंड पर रोस्ट करने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा छपरी हो गया हूँ। देख लो शर्ट कैसी लग रही, बताओ भाई, बताओ तुम भाइयों। ये बैठा है एमसी स्टैंड का फैन, देखो भाइयों, देखो ये है एमसी स्टैन का फैन, ठीक है। इतना किलो सुना ना, जब से मैंने कही एमसी स्टैन के ऊपर रोस्ट कर रहा हूँ। और एक भाई, एक चीज़ और बताता हूँ, एक तो होते हैं बेशरम, एक होते हैं बहुत ही बेशरम। मेरी शर्ट देखी कि तुमने ये पिछले वो सूखे वाले व्लॉग में, ठीक है, पहली भाई पहली, ठीक है, आती आती नहीं है इनके, फ्री शर्ट पहन लेते, बस लंबाई होने का फ़ायदा उठा रहे हैं थोड़ा सा, है फिट आ रही है, इतना फिट भी ना तो बड़ा है। एमसी स्टैंड के ऊपर रोस्ट कर दूं भाई, है देखो भाई क्लस रहा, लो ऐसे दिखाया था तुम्हें, क्लस रहा भाई, बता कर दूं एमसी स्टैंड के ऊपर रोस्ट है, कर दे अबे ढंग से बोल, एमसी स्टैंड का तू फैन है ना, वो बस्ती का हस्ती है, बेकार आदमी है वो, बहुत है बेकार ही है ना। अब्दुल रोजिक की उसकी होगी लड़ाई, लड़ाई होगी दोनों की, वैसे तो वो दोनों अपने आप को बेस्ट फ्रेंड माने थे, यारा तेरी यारी को, अरे जा तेरे सारी पिक्चर फ्लोप है भाई, सारी की सारी पिक्चर फ्लोप है तेरी, ठीक है। देखो भाई एक और आ गए ये एकदम आ गए, बस थारा भाई जोगिंदर, इन्होंने मेरी वीडियो देखी थारा भाई जोगिंदर की, तो ये जब से थारा भाई जोगिंदर गए जा रहे हैं, थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर पागल है क्यों साला कुत्ता। ओ भाई ऐसा मत कहो यार, बेचारे को इतना बड़े लौंडा हो यार, देखो इतना ओवर एक्टिंग करता है जो पागल साला, ओवर एक्टिंग है। चलो अब हम जो है ना, अंश भाई घर से भागोगे तो नहीं तुम एमसी स्टैन के, वो कर दे दो भाई, पूछ लें कब कहीं, क्या पता वो घर से भाग जाए। स्टैन की उधर पिटाई हो गई किसकी? स्टैन की, एमसी स्टैन की, हाँ हाँ, उससे उस पर रोस्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, कर दूँ क्या? हाँ कर दे, ठीक है भाई, अब परमिशन मिल लिया तो तुम भी बता दो एमसी स्टैन के ऊपर रोस्ट कर दूँ क्या मैं, बता दो। अजय देव बिमल खाओ, लो दिखा दो, अब दिखा दो भाई, देख लो ये ऐड कर रहे हैं, तो फिल्म स्टार कर रहे हैं, तो हम नहीं करते, तो फिल्म में कर रहे हैं, ये भी बात सच है। इन्हें उठा के ले जाओ, ये फेमस हो जाएंगे फिर, इन्हें उठा के ले जाओ तुम, बस एक बार मैं वीडियो बना लूंगा इनकी फिर, ठीक है। एक मिनट भैया दिखाई दो, एक मिनट दिखा दो भाई, देखो ऐसी कैसी मुर्गे वाली डाली आ रही, देख बाल बाल दिखा, दिखा है, दिखाइए दिखाइए, देखियो कहाँ तक इसका बाल आ रहा है, अबे इसे कटवाते क्यों ना इसे, है भाई है, सही है, अच्छी है, बढ़िया है। आप दुकान में खड़े होकर व्लॉग बना रहे हैं, समझ रहे हो, दुकान में ही खड़े होकर, तो घर में ही है दुकान ये घर ही है ये हमारा, ये अंश भाई के लिए खुलवा रखी है दुकान, अंश भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो ये दुकान पे बैठते हैं बेचारे, है ना, इनका मन नहीं करता भाई पढ़ने लिखने का, इनसे कही थी हमने कि अकाउंटिंग का कोर्स कर लो, ये जा ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ भैया, पता नहीं भाई, इन्हें कुछ नहीं पता अपने बारे में, ये ना सिर्फ एमसी स्टैन के फैन रह चुके हैं, वो छपरी का फैन रहेगा तो ऐसे ही होगा, जान रही हो, दुकान पे बैठेगा, हम नहीं है किसी के ही फैन, हम तो किसी के हैं, देखो लड़के भाई एमसी स्टैन के ऊपर क्लच गया भाई, क्लच गया भाई, एमसी स्टैन को फोकस, एमसी स्टैन, एमसी स्टैंड हाउस है, कुछ भी नहीं है, कबूतर है, बेकार है वो ससुरा, उसके सारे छपरी हैं, सारे छपरी फैन जितने भी हैं, देखो कुछ बोलेगा बोलने वाला, सारे छपरी फैन, गर्लफ्रेंड को पीटने के लिए गुंडे भेजे, अभी फालतू में फेमस हो गया वो सलमान खान ने, हाँ ऐसी तैसी सबकी साले ससुरे की, हमें क्या पता, ठीक है।
मोदी योगी। हाँ ये बात तो है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी से जो पंगा लेगा नंगा हो जाएगा। बस देख लो, सुन रहे हो तुम भाई, मोदी की मतलब इतनी फैन फॉलोइंग है ना, इतनी कैड़ी फैन फॉलोइंग है भाई मोदी जी, बात ही अलग है उनकी कुछ। ये देखो ये कहाँ आ रहे हो, एमसी स्टैन की फैन छाप रही है। देखो भाई एमसी स्टैन गाना सुन रहे हैं, देख रहे हैं कौन है एमसी स्टैन, मतलब गाना कैसा लगा? बिल्कुल ठटकरा है, ठटकरा छपरी साला। यार तो ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं यार, एमसी स्टैन कुछ समझ ही नहीं रहे यार है। अब हमें गाली मिलने वाली है बहुत सारी एमसी स्टैन की छपरियों से, तुम्हारी कसम भाई। गाली मत देना कोई भी, जो भी हो इन्हें देना, इन्हें देना। कुछ नहीं कह रहा हूँ एमसी स्टैन को, देखो जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, ये तो फैन है, ये गिलस रहा है। गिलस रहा जब से तुम्हें दिख ही रहा होगा, जब से ये किले से ही जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम एमसी स्टैन के ऊपर बाकायदा रोस्ट निकालेंगे, तुम सारे कमेंट कर देना जो भी है, ठीक है। हाँ तो भाइयों ऋतिक भाई आ चुके हैं मेरे पास, ये रहे ऋतिक भाई को उठते के साथ ही बड़ी तेज भूख लगी है, समझ लो। तो ऋतिक भाई का ना एक यहाँ में फेवरेट है पनीर टिक्का रोल वाला, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाइयों आ गया ऋतिक भाई का पनीर रोल। ऋतिक भाई कैसा देते हैं, देख रहे हो भाई अपना फुल टोरे में खा लेते हैं, जरा खा लेते हैं, उसके बाद जरा बात करेंगे ऋतिक भाई से, भी पूछेंगे एमसी स्टैन के बारे में कि ऋतिक भाई एमसी स्टैन पे रोस्ट निकाल लें या नहीं, ठीक है। ऋतिक भाई बस एक बात, इधर तो आओ बस यूँ बता दो एमसी स्टैन के ऊपर रोस्ट करें या ना, पूछ लो पब्लिक से पूछ लो। मैं तो सबने रिव्यू दे दिया अपना, अब तुम बताओ एमसी स्टैन है कैसा, छपरी सबने भाई सब ही छपरी कह रहे हैं उसे। अभी करण भाई से ही पूछ लूंगा मैं, करण भाई कैसा बताओ, रुक जाओ कैसा सीन है एमसी स्टैन का छपरी। मैं देखा कहा है तुमने एमसी स्टैन नहीं देखा आज तक? मैं देखा है। अबे यार तुमने तो बहुत बुरी बेइज्जती करी है, देखो उड़ा रहा पतंग एमसी स्टैन का फैन। बेटे उसके फैन बहुत गाली देने वाले हैं अब हमें, तेरी कसम छपरी है। आर्यमन तो उसका वो है फैन है, ठीक है चलो भाई पब्लिक तैयार है भाई रोस्ट के लिए। भाइयों तो हमारी फैमिली का हमें ऋतिक भाई ने बोला नाश कर देंगे भाइयों एमसी स्टैन का, वैसे भी कुछ नहीं है उसे इंदौर से भगा दिया। और जय श्री राम ही रहेगा, जो बात है गाली बहुत ही बके। नौचंदी में आ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे तुझे, समझ रहा है एमसी स्टैन तेरे ऊपर रोस्ट निकलेगा, बहुत बड़ा निकलेगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा यार, अभी टाइम निकाल के, अभी टाइम वाइम नहीं, इसलिए ऐसे लोगों से रिव्यू ले लिए तेरे, लेकिन तुझे सबने छपरी बताया। बार बार अपने जींस ऊपर करे पटेल मंडप आ रहा था। भाई हमारे पटेल मंडप में हमारे जितने भी सारी पब्लिक है वो बता सकती है क्या होता है। वो चंदी में आया था वो, ठीक है यहाँ करा था बस्ती का अस्थि, उसे बता दिए क्या होती है बस्ती की अस्थि। तुम भी बहुत हंसते हो उसी गांव के लगते हो वाला सीन हो गया उसके साथ, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ऋतिक भाई चलते हैं, आज हम भाई मंदिर जा रहे हैं, आज ट्यूजडे है, ठीक है भाइयों, जय बाबा की जय हनुमान जी। हाँ ठीक है भाइयों, लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया।